हेलो। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं डॉक्टर इंद्रजीत दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल में कार्यरत हूँ। और आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है एक्शन रिसर्च थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी कि क्रियात्मक शोध के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है हमको कि शोध किसे कहते हैं या अनुसंधान किसे कहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर हमने ये सोचा जाना है कि जो शोध है या अनुसंधान है, जो अंग्रेज़ी में रिसर्च कहा जाता है। हेलो हेलो, क्या मैं ऑडिबल हूँ सभी को? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, ज्वाइन हो गए लाइव, अपने उससे गए लाइव, क्या आ रहे हैं? हेलो, हाँ, आप कनेक्ट कर दीजिए सर। हाँ, ये हो गया। अभी जनरली पूछो कि मैं आप लोगों को ऑडिबल हूँ कि नहीं, अभी शुरू मत करना। हेलो, कभी क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक? क्या मेरी आवाज़? हेलो, हेलो, हाँ सोमू सर, हेलो, कहेंगे नाउ स्टार्ट, तब स्टार्ट करना। जब फोन से कह दें स्टार्ट करना। हाँ, स्टार्ट करना। सभी को मेरा नमस्कार। मेरे साथियों, मेरे गुरुजन और मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो है क्रियात्मक अनुसंधान। हम आम तौर पर हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनुसंधान या शोध बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो शोध जो है हमारे ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होती है, क्योंकि उसके जो फल हैं हमारी ज़िंदगी में, हम उनको फल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। और ख़ास तौर पर मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि आज शोध की वजह से जो ज्ञान तैयार होता है, ज्ञान की जो सृजन होता है, सृजनता होती है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर पर शोध की वजह से जो ज्ञान का सृजन होता है, नॉलेज का जो जनरेशन होता है, उसकी वजह से आज जो आपको तब्दीलियां, आज को आपको जो चेंजेस दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिसर्च की वजह से है। उसी वजह से, ज्ञान की वजह से, ज्ञान के सृजन की वजह से आपको आज दुनिया में तब्दीलियां दिख रही हैं। जो टेक्नोलॉजीज़ का जो ज़माना आया है या और भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई हैं, उसका श्रेय पूरी तरह से रिसर्च को जाता है। इसीलिए आज हमारे पास जो भी सुख सुविधा के साधन हैं उसके पीछे अनुसंधान, रिसर्च जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि रिसर्च की वजह से, शोध की वजह से, अनुसंधान की वजह से इंसान की ज़िंदगी बेहतर हुई है। इंसान की ज़िंदगियों, उसके जो कष्ट थे वो कम हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोगों की भलाई के लिए होता है। कोई भी रिसर्च जब की जाती है वो लोगों की भलाई के लिए होता है,
लोगों को की वेलफेयर के लिए होता है। इसी तरह की जो है एक्शन रिसर्च भी एक तरह का शोध है, एक तरह का अनुसंधान है जो आम तौर पर शिक्षक अपने क्लासरूम्स में कंडक्ट करता है। उससे पहले कि मैं आज के चर्चा को आगे बढ़ाऊं, तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं जो वुल्फ ने इस बात को कहा था कि टीचर्स ऑफन लीव अ मार्क ऑन देयर स्टूडेंट्स बट दे सेल्डम लीव अ मार्क ऑन देयर प्रोफेशन। अर्थात कि अक्सर ये देखा गया है कि टीचर्स जो है अपने छात्रों की ज़िंदगी पर छाप छोड़ जाते हैं, यानी कि टीचर्स की वजह से स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में, छात्रों की ज़िंदगी में, विद्यार्थियों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। बट ये बहुत कम देखने को मिला है कि उन वो खुद अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन अपने पेशे में या अपने प्रोफेशन में कोई बहुत बड़ा मार्क या बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हों, ऐसा बहुत कम देखा गया है। ये मैंने नहीं कहा बल्कि वुल्फ ने कहा है। तो हम लोग अक्सर बच्चों की ज़िंदगी में तो छाप छोड़ जाते हैं, उनकी जीवन को परिवर्तन भी करते हैं, तब्दील भी करते हैं, उनको सुधारते भी हैं, पर जब तक जब हमारी बारी आती है, अपने ऊपर बारी आती है, यानी कि अपने पेशे से जुड़ी हुई बारी आती है, उस तरह का बहुत बड़ा जो मार्क है, चिन्ह है, हम नहीं छोड़ पाते हैं, हम अपने आप को तब्दील नहीं कर पाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम लोग ज्ञान को तो ट्रांसफ़र करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं, बच्चों को पढ़ाते ज़रूर हैं, पर सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है, हम लोग अनुसंधान नहीं करते हैं, हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं। टीचर्स लोग अक्सर रिसर्च नहीं करते हैं, और ख़ास तौर पर स्कूल के जो टीचर्स हैं वो रिसर्च नहीं करते हैं, और रिसर्च ना करने की वजह से, शोध ना करने की वजह से, अनुसंधान ना करने की वजह से जो वो कार्य कर रहे हैं उनमें अभूतपूर्व परिवर्तन वो देखने को नहीं मिलता है, वो परिवर्तन जो तब्दीली होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलता है। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, हमें समझने की ज़रूरत है कि अनुसंधान या रिसर्च क्या है। बड़े सीधे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो एक क्रमबद्ध तरीके से अगर आप किसी एक्टिविटी को रिसर्च से जुड़ी हुई, शोध से जुड़ी हुई, अगर किसी भी एक्टिविटी को क्रमबद्ध तरीके से करेंगे और आखिरी में उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, यानी कि किसी भी सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए, किसी भी हल तक पहुंचने के लिए अगर आप क्रमबद्ध तरीके से शोध को करेंगे तो आम तौर पर उसे रिसर्च कहा जाता है या अनुसंधान कहा जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो रिसर्चर होता है, शोधकर्ता होता है, वो चरणों को क्रमबद्ध तरीके से चरणों को पालन करता हुआ किसी एक प्रॉब्लम की, किसी एक समस्या की समाधान करता है। कर्लिंगर जो अपने आप में बहुत बड़े माने जाते हैं, रिसर्च के विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि शोध खाली साइंस में जो शोध हो रहा है वो शोध नहीं है, सोशल साइंसेस या ह्यूमैनिटीज़ इन सब्जेक्ट्स में भी शोध हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आपके पास पर्सनल बिलीव्स हों, आपके आप सब्जेक्टिव भी हों, कोई चीज़ पर आपकी ख्याल हो, आपका कोई बिलीफ हो, तो उनके ऊपर भी शोध किया जा सकता है। शर्त ये है कि उस शोध के लिए आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने बिलीव्स को, है ना, उनको टेस्ट नहीं करेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, तो तब तक वो शोध नहीं माना जाएगा। इसलिए शोध का एक अभिन्न अंग है कि वो एम्पिरिकल होना चाहिए, यानी कि टेस्टिफाइड होने चाहिए, उसको हम टेस्ट कर सकें। कोई भी चीज़ आप अगर शोध करके निकालते हैं तो उसको टेस्ट करना चाहिए, उसको वेरीफाइड होना चाहिए, वो फैक्ट्स बेस्ड होने चाहिए। दूसरा जो कर्लिंगर कहते हैं कि शोध क्या है, शोध वो कहते हैं कि सेल्फ करेक्टिंग है, अपने आप, यानी कि शोध में ही, उस प्रोसेस में ही इस तरह का तैयार होता है, इनबिल्ट मैकेनिज्म होती है जो साइंटिस्ट की या कोई भी शोधकर्ता की, वो ऑटोमेटिकली उसमें ही सेल्फ करेक्टिंग नेचर है, यानी कि वो स्क्रूटिनी है, यानी कि जो भी लोग शोध कर रहे हैं या शोध करने में शामिल हैं
वो इन चीज़ों को देखते हैं कि उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी है उस शोध में या उस शोध के चरणों में, तो वो सेल्फ करेक्ट, उसको करेक्ट करने की कोशिश किया जाता है। और तीसरा है जो शोध है वो कॉम्बिनेशन है, जोड़ है किसका, एक्सपीरियंस का और रीजंस का, यानी कि मेनली शोध सच्चाई की तलाश है, सच्चाई को डिस्कवर करना है, पर सबसे बड़ी बात है कैसे आप अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से और अपने रीजंस से आप इसको चाहें तो डिस्कवर कर सकते हैं या सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। तो शोध देखा जाए तो इस तरह की एक प्रोसेस है जहां पर कि शोधकर्ता बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी मसले का, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढता है। नाउ अब इम्पॉर्टेंट ये है कि शोध के प्रकार, जो आमतौर पर मैं इसलिए क्यों चर्चा करना चाहता हूँ शोध के प्रकार, क्योंकि एक्शन क्रियात्मक शोध के आने से पहले मैं इस बात की चर्चा हल्की हल्की करना चाहता हूँ कि प्रकार के ऊपर। शोध के तीन प्रकार होते हैं, एक फंडामेंटल रिसर्च जिसको हम बेसिक रिसर्च या थियोरिटिकल रिसर्च कहा जाता है या बुनियादी रिसर्च कहा जाता है। बेसिकली इस रिसर्च में हम आम तौर पर थ्योरीज बिल्ड करते हैं, लॉज प्रिंसिपल्स बिल्ड करते हैं, तैयार करते हैं, यानी कि किसी भी रिसर्च की, किसी भी डिसिप्लिन की, किसी भी सब्जेक्ट की जो बुनियाद है वो थ्योरीज बिल्ड करना, वो प्रिंसिपल बिल्ड करना, वो लॉज बिल्ड करना है। तो फंडामेंटल रिसर्च जो है उसका एम, मेन मकसद ये है, मेन मकसद है कि आप जो हैं रूल्स, लॉज, फैक्ट्स, इन चीज़ों को आविष्कार करें, इनको निकाल खोजें, इनकी तलाश करें और इनकी मदद से हम प्रडिक्शन करें आगे की जो होने वाले घटित घटनाएं हैं उनको, उनकी उनको बुनियाद बनाकर हम आगे की चीज़ों के बारे में सजग हो जाएं, उसके बारे में पदल इस पहले से ही पता हो जाए। तो जो बेसिक रिसर्च है वो न्यू नॉलेज को क्रिएट करती है, बेसिक रिसर्च जो है वो हमेशा न्यू नॉलेज को क्रिएट करती है, और ये एक तरीके का एसेट है। याद रखिएगा, किसी भी समाज में जो साइंटिफिक रिसर्च है वो एसेट है, पूंजी है वो, और इस बेसिक रिसर्च की बुनियाद पर ही बाकी के रिसर्चेज होती हैं। इस बेसिक रिसर्च की बुनियाद पर, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च की बुनियाद पर ही बाकी की रिसर्चेज, आगे की रिसर्च होती हैं, ठीक है। तो जैसे न्यूटन का लॉ आप मान लीजिए, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल मान लीजिए, ये सब बेसिक लॉ है, उन लॉज के ऊपर बेस करके हम लोगों ने नई नई चीज़ें इजाद की हैं, तैयार की हैं इन्हीं लॉज की बुनियाद पर। तो ये जो पूरी जो कायनात है, ये जो पूरा विश्व है, ये आप देखिएगा न्यूटन के लॉ के ग्रेविटेशन से चल रहा है। तो इस बेस पर हम लोगों ने कई ऐसी चीज़ें तैयार की हैं जो इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के एतबार से चलती है। दूसरा जो तरीका रिसर्च का है, जो दूसरे किस्म का रिसर्च है, वो है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या करता है कि जो साइंटिफिक थ्योरीज बनी हैं या लॉज बने हैं या प्रिंसिपल्स बने हैं, डेवलप हुए हैं, उनको प्रयोग करके, तकनीक के तौर पर इस्तेमाल करता है। यानी कि अप्लाइड रिसर्च इज अ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, फंडामेंटल इज साइंटिफिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च है, पर अप्लाइड रिसर्च इज अ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, यानी कि जो थ्योरीज बिल्डअप हुई हैं, जो प्रिंसिपल्स बिल्डअप हुए, तैयार हुए हैं, जो लॉज तैयार हुए हैं, उनकी बुनियाद पर हम लोगों ने नए नए चीज़ें इजाद की हैं, और इसको आमतौर पर अप्लाइड रिसर्च कहा जाता है, ठीक है। नाउ अब सवाल आता है कि तीसरे किस्म का जो रिसर्च है, तीसरे टाइप ऑफ रिसर्च जो है, एक्शन रिसर्च। नाउ व्हाट इज एक्शन रिसर्च? देखिए, ये बहुतों का ये मानना है, खासतौर पर 1970 के आसपास, ये मान के आसपास 50 से 70 के दशक के आसपास ये माना जाता रहा है कि ये कोई रिसर्च नहीं है। जो भी बहुत बड़े साइंस के लोग थे या साइंटिफिक रिसर्चेस कर रहे थे, उनका ये मानना था कि ये कोई रिसर्च नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ये कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है,
पर एक्शन रिसर्च की यानी कि क्रियात्मक शोध का को के 70 के दशक के बाद इसको बड़े जोर से इसको एजुकेशनल फील्ड में इस्तेमाल किया जाने लगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा 70s के बाद ना 1970 के दशक के बाद एजुकेशनल और मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इस रिसर्च को, क्रियात्मक अनुसंधान को, शोध को इस्तेमाल किया जाने लगा। पर इसकी शुरुआत कैसे हुई ये जानना ज़रूरी है। 1940 के दशक में कर्ट लुविन जो US एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसकी इजाद की, इनको इसका नाम दिया, इस रिसर्च का नाम दिया। और अगर आप सबको याद हो कर्ट लुविन फील्ड के देने वाले थे, तो उन्होंने ही इस चीज़ को यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान की खोज की या उनका नाम दिया उसको, इस रिसर्च का नाम जो क्रियात्मक शोध पड़ा वो कर्ट लुविन की वजह से पड़ा। पर स्टीफन कॉरी दूसरे एक सोशल साइकोलॉजिस्ट कहा जा सकता है, एजुकेशनलिस्ट कहा जा सकता है, उन्होंने शिक्षा के जगत में इसको बहुत ज़्यादा, कॉरी को ये श्रेय जाता है कि वो शिक्षा के जगत में इसको इस्तेमाल करने के लिए है, उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया। और इसलिए खास तौर पर जो ये रिसर्च है, मैं पहले ही बता दूँ, दिस काइंड ऑफ रिसर्च आमतौर पर जो रिसर्च है ये ज़्यादातर शिक्षक अपने क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक्शन रिसर्च का असली अर्थ ये है कि ऐसी रिसर्च, ऐसा शोध, ऐसा अनुसंधान जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, तुरंत फैसला किया जाए, एक्शन लिया जाए। यानी कि आप रिसर्च करके जो नतीजा निकालेंगे, रिजल्ट्स निकालेंगे, उस रिजल्ट्स को जल्दी से जल्दी एक्शन प्लान में तब्दील करेंगे, यानी कि उसको क्रिया की इसको आप इस क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी आपने निकाला है, नतीजा निकाला है ना, उसको आप जितनी जल्दी हो सके अपने क्लासरूम्स में इस्तेमाल करेंगे। तो एक्शन रिसर्च खास तौर पर शिक्षक अपने 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 पेशे से जुड़ी हुई तरक्की यानी कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स के लिए इस्तेमाल करता है, स्टूडेंट्स को मदद देने के लिए किसी भी फील्ड में, एजुकेशनल के किसी भी फील्ड में स्टूडेंट को अगर मदद की ज़रूरत हो तो एक्शन रिसर्च की जा सकती है। यहाँ तक कि स्कूल के एनवायरनमेंट को, वातावरण को अगर बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, तो उस वक्त भी एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल किया जा सकता है। करिकुलम, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम दोनों को ही अगर बेहतर बनाना है, उसके अंदर तब्दीली लानी है, चेंजेस लाने हैं, तो आप एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ जांच यानी कि असेसमेंट के तौर पर भी जो है, असेसमेंट के तौर पर भी, जांच के तौर पर भी, यानी कि शिक्षकों को अपनी अगर जांच करनी हो, या बच्चों की जांच करनी हो, या छात्रों की या विद्यार्थियों की जांच करनी हो, उसके वक्त भी जो है एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे मज़ेदार वाली बात यह है कि एक्शन रिसर्च एक्चुअली में टीचर को सशक्त बनाता है। सशक्त कैसे बनाता है कि जो भी वो क्रियाकलाप कर रहा है क्लासरूम्स में, जो भी कार्रवाई कर रहा है, जो भी सरगर्मी कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, उस पर वो रिफ्लेक्ट करता है। उस पर अगर वो रिफ्लेक्ट करे कि मैंने क्या किया, कहाँ गलतियाँ की, कहाँ चीज़ें अच्छाई हुई, किस चीज़ को और अच्छा किया जा सकता है, किस चीज़ को और सुदृढ़ किया जा सकता है, किसको और किसी डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, इंट्रोस्पेक्शन की वजह से क्या होगा कि उसको नॉट ओनली वो अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में वो अपने आप को ऊपर उठाएगा, बल्कि उसकी जो एकेडमिक जर्नी है वो भी लाभान्वित होगी और कहीं ना कहीं वो सशक्त होगा। तो मेरा ये कहना है कि एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक शोध जो खास तौर पर टीचर की सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पर वो रोज़मर्रा की जो अंदर क्लासरूम्स के अंदर जो वो टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट और तमाम चीज़ें करता है, उसको अगर बारीकी से रिफ्लेक्ट करे, उस पर सोचे, इंट्रोस्पेक्ट करे और सोचे कि किसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है और इम्प्रूव्ड कैसे किया जा सकता है,
तो मेरे को लगता है कि हर शिक्षक अपने व्यवसाय में और तरक्की कर सकता है और ये उसकी एकेडमिक जर्नी में लाभान्वित होगा। ऐसा नहीं है कि शिक्षक जो क्रियात्मक अनुभव वो एक शिक्षक अकेला भी कर सकता है और कई बार ऐसा होता है कि कई शिक्षक मिलकर, और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि स्कूल, एक स्कूल या एक डिस्ट्रिक्ट है ना, स्कूल ज़िला है ना डिस्ट्रिक्ट, ये लोग ये भी मिलकर जो है क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। मैंने ये कहा कि शिक्षक तो कर ही सकता है, शिक्षक के अलावा और कौन कर सकता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग जो भी हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, प्रिंसिपल्स हों, एजुकेशन ऑफिसर्स हों, क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। इसलिए मेन मकसद है कि शिक्षा में तब्दीली लाना, शिक्षा को बेहतर बनाना, शिक्षा के हर मैं फेरेंस ने अपने एक लेख में ये माना था कि शिक्षक क्रियात्मक शोध जो है, फेरेंस ने अपने किताब में कहीं ये दर्शाया है कि जो एक्शन रिसर्च है उसके बुनियादी तौर पर चार एजम्पशंस हैं। एक तो ये एजम्पशन है कि जो भी शिक्षक और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो जो है वो जो भी हैं वो पहले समस्या की पहचान करें, शिक्षक हों, एजुकेशनल ऑफिसर्स हों, प्रिंसिपल्स हों, और भी तमाम जो हैं लोग जुड़े हुए हैं शिक्षा के साथ, वो सबसे पहले प्रॉब्लम या समस्या का की पहचान करें, उसके बाद वो कोशिश ये करें कि कैसे उसको दूसरे अलग अलग तरीकों से, उसी काम को दूसरे और अलग अलग तरीके से उसको अंजाम दिया जा सकता है, उसको किया जा सकता है। यानी कि शिक्षक और बाकी लोग ये सोचें कि उसको किस और तरीके से, किस और यानी कि कैसे और दूसरे तरीके से, उसको बेहतर तरीके से उस काम को किया जा सकता है। और तीसरा अजम्पशन जो आम तौर पर फेरेंस का कहना है कि बेहतर ये होगा कि जो लोग शिक्षा जगत में जुड़े हुए हैं जब वो एक्शन रिसर्च करते हैं तो वो मिलकर काम करें, कोलैबोरेटिवली काम करें, एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करें। और साथ ये है, चौथा अजम्पशन ये है कि वो ये मानते हैं कि जब लोग मिलकर काम करेंगे तो सभी का व्यावसायिक तरक्की होगी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। फेरेंस का है वो चार अजम्पशन हैं एक्शन रिसर्च के ऊपर, यानी कि क्रियात्मक शोध के ऊपर चार अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन है कि समस्या का पता लगाना या आइडेंटिफाई करना, यानी कि समस्या या प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन हो। दूसरा, प्रैक्टिशनर्स या जो भी टीचर्स और बाकी जो शिक्षक शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो पता लगाएं कि कैसे और डिफरेंट वेज में इस काम को, इन कामों को, उस प्रॉब्लम को कैसे डिफरेंटली हैंडल किया जा सकता है, उसको डिफरेंटली सॉल्व किया जा सकता है। ये ज़रूरी है कि उस प्रॉब्लम को जो आइडेंटिफाई हुआ है उसको कैसे डिफरेंटली सॉल्व किया जा सकता है। और तीसरा, कोशिश ये करें, अजम्पशन है ये है, तीसरा ये है कि कोलैबोरेटिवली करें, यानी कि मिलकर काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर काम करें। और चौथा जो अजम्पशन है वो ये है कि जब आप मिलके काम करेंगे तो सभी की डेवलपमेंट होगी, सभी की प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी, ये तय है। तो अब मैंने ही कहा कि खाली एजुकेशनल फील्ड में नहीं हो सकता एक्शन रिसर्च, एजुकेशनल फील्ड में भी हो सकता है,
मेडिकल फील्ड में भी हो सकता है। मैंने कहा इसलिए कहा एजुकेशनल और मेडिकल फील्ड में खास तौर पर एक्शन रिसर्च बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्यों इसलिए ज़्यादा किया जाता है कि जो हम लोगों की जो प्रैक्टिसेस हैं, हम लोग चाहते हैं उस प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करें और उसका नतीजा देखें। एजुकेशनल फील्ड में और मेडिकल फील्ड में क्रियात्मक अनुसंधान ज़्यादा, क्योंकि जो भी हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको बेहतर ढंग से कैसे किया जाए, इम्प्रोवाइज्ड वे में कैसे किया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए शायद मेडिकल फील्ड में और एजुकेशनल फील्ड में, शिक्षा के मेडिकल के जगत में इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक हम मेडिकल फील्ड की तो बात हम कम करेंगे, बट हम शिक्षा के स्कूलों की तक ज़्यादा हम लोग काम करेंगे, शिक्षा जगत में ज़्यादा काम होता है। तो शिक्षा जगत में आम तौर पर एक्शन रिसर्च को एक पावरफुल टेक्निक माना गया है, पावरफुल टेक्निक माना गया है कि अपनी प्रैक्टिसेस को, अपने कार्यकलापों को, अपनी क्रियाकर्मों को, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर आप गौर फिक्र कर सकें, आप रिफ्लेक्ट कर सकें, आप सोच सकें, आप उसको बेहतर कर सकें। यानी कि एक्शन रिसर्च आपको एक मौका देता है कि आपके जो भी किए हुए काम हैं उसको कैसे और बेहतर तरीके से कंप्लीट किया जाए, मुकम्मल किया जाए, फाइनलाइज किया जाए बेटर वे में, है ना। So it is more of a technique wherein your ideas should be put into practice as well as reflection on those practices. आपने जो ideas, जो ख्यालात, जो आपके जो विचार हैं, जो आपने practice किए हैं classrooms में, उनको उनके ऊपर actually में कहीं ना कहीं reflection है, systematic तरीके से reflection है उन practices पर कि क्या जो मैं practices कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है, जिसका फ़ायदा, जिसका बेनिफिट मुझको भी मिले और मेरे छात्रों और मेरे विद्यार्थियों को मिले। मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला ये है कि ये प्रैक्टिशनर्स की यानी कि टीचर्स की कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाता है। जो शिक्षक है उनकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं, उनको बढ़ाता है। तो मैंने कहा शिक्षक की, हो सकता है ये प्रिंसिपल भी हों, हो सकता है ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हों, पर हमें मेरा केंद्र बिंदु रहेगा शिक्षकगण। तो शिक्षक के प्रैक्टिसेस की जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनकी कॉम्पिटेंसीज को ये बेहतर करता है। दूसरा आस्पेक्ट है ये कोलाबोरेटिव है, यानी कि ये मिल के काम करने का। एक्शन रिसर्च इंडिविजुअल हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल नहीं हो सकता है, बट इट वुड बी मोर एडवाइजेबल इफ इट्स कोलाबरेटिव। यानी कि अगर कोलाबरेटिव हो तो कई दिमाग लगेंगे, कई विचार पास आएंगे, उन विचारों को आप इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, और सबसे अच्छा विचार जो होगा, सबसे अच्छे जो ख्यालात होंगे, सबसे अच्छी प्रैक्टिस जो होगी वो इस्तेमाल की जाएंगी, जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तीसरा है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है, याद रखिए स्कूल जो आपका कक्षा है, क्लासरूम है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स है, बहुत आसान नहीं है। सोशल कल्चरल इंटरेक्शंस होते हैं यहाँ पर, यानी कि सामाजिक और कल्चरल इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा है, विभिन्न तरह के, विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के यहाँ बच्चे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे क्लासरूम्स में, तो डाइवर्स आपका क्लासरूम है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स क्लासरूम है। इस डाइवर्स में क्रियात्मक शोध करना, अनुसंधान, इसलिए मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स सोशल सिचुएशंस है। ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस है, जो प्रैक्टिसेस है यानी कि जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो क्लासरूम में जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से आप जांच कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, जिस तरह से स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं, ऊपर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है ये। आपको ये एक्चुअली में कहीं ना कहीं आपको बार बार ये याद दिलाता है कि आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जो तरीका जांच का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं आने के लिए और तमाम काम करने के लिए, उस पर एक रिफ्लेक्शन है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है।
और विदाउट एनी प्रेजुडिसेस और विदाउट एनी बायस, किसी भी बायसेस बिना, किसी भी पहले से ही कोई प्रेजुडिस किसी बायस से नहीं होना चाहिए उसमें। बेसिकली एक और वजह है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, यानी इंप्रूव द क्वालिटी रिलेशन, यानी कि उनके बीच में जो रिश्ता है टीचर और शिक्षक, छात्र और शिक्षक के बीच में जो संवाद है, जो रिश्ता है, उसको और बेहतर तरीके से गढ़ना चाहते हैं हम लोग। ये एक होता है, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सिस्टमेटिक प्रोसेस बाद में इसको नॉट एज रिगरस अदर रिसर्चेस आर। सिस्टमेटिक तो है, क्रमबद्ध तो है, बट क्रमबद्ध के साथ रिगरस उतना रोबस्ट नहीं है, है ना, उतना रोबस्ट इंप्रूव्ड हूं ये बहुत चाहेंगे आप। तो एक्शन रिसर्च आपकी करिकुलम को और आपके ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करता है, इम्प्रोवाइज करवाते हैं। इसके अलावा ये एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जरिया भी है, इट इज़ अ मींस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए टीचर्स अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने 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 व्यवसाय में आपको अपने आप को तरक्की कर। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आपको हरदम क्रियात्मक अनुसंधान हरदम आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है और एज ए लर्नर के तौर पर ट्रीट करता है। याद रखिएगा, यू आर एज ए लर्नर, आप वहाँ पर एक लर्नर है, एक छात्र हैं। आप टीचर भले ही हैं, आप शिक्षक भले ही हैं, पर साथ साथ में एक लर्नर भी हैं। ये बहुत बहुत समझने की ज़रूरत है। क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षक तो होता ही है, प्रैक्टिशनर तो है ही है, साथ में वो एक छात्र भी है, अधिगम करने वाला भी है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान करता है शिक्षक, उसको ये समझ लेना चाहिए कि वो जो भी क्रियात्मक अनुसंधान कर रहा है उससे कुछ सीख रहा है। सिस्टमेटिक है, पहले से वेल थॉट आउट प्लान होना चाहिए, यानी कि एक्शन ऐसा रिसर्च नहीं है कि आप किसी दिन क्लासरूम में गए और आपने एक्शन रिसर्च एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, अचानक से आइडेंटिफाई किया और उसका सोल्यूशन ढूंढने निकल गए, ऐसा नहीं है। यू रिक्वायर प्लानिंग, थॉरो प्लानिंग, थॉटफुल प्लानिंग, आपको बहुत सोच विचार करके प्लान बनाना है और प्लान बनाकर फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, बहुत ज़रूरी है। तो सिस्टमेटिक प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा जहाँ ज़रूरत हो इंटरवेंशन की ज़रूरत हो, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ आपको लगता हो कि यहाँ मेरे हस्तक्षेप की ज़रूरत है, यहाँ किसी और हस्तक्षेप की ज़रूरत है, किसी और तरह के हस्तक्षेप की ज़रूरत है, इंटरवेंशन की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी टीचिंग आईसीटी के मेथड से किसी जनरल मेथड से पढ़ा रहे हैं और वो इफेक्टिव नहीं है और आपको लगता है कि अगर मैं आईसीटी का इस्तेमाल करूंगा तो इफेक्टिव होगा, तो आईसीटी को इंटरवेंशन के तौर पर आप इस्तेमाल करके बच्चों के अंदर देख सकते हैं कि उपलब्धि कितनी अच्छी हुई। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक्शन रिसर्च इंटरवेंशन बेस्ड होता है, इंटरवेंशन बेस्ड, यानी कि छोटे छोटे इंटरवेंशन करके, छोटी छोटी हस्तक्षेप करके, छोटे छोटे प्रयोग करके, आप छोटे छोटे प्रयोग करके उस प्रयोग का नतीजा आप देख सकते हैं, उस प्रयोग का जो फल है वो देख सकते हैं आप, वो कितना फल आपको फ़ायदा मिला उस फल उस इंटरवेंशन से, आपको कितना वो इंटरवेंशन कितना प्रभावशाली था, उससे कितना फ़ायदा हुआ, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और कोशिश ये करिएगा, ट्राई टू बी ऑब्जेक्टिव जितना हो सके रिसर्चर को, ये नॉर्मल रिसर्चर में भी है, बट क्योंकि आप एक टीचर भी हैं, एक शिक्षक भी हैं, एक शोधकर्ता भी हैं, तो इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिसर्चर अगर बायस हो जाएगा, उसके आसपास प्रेजुडिसेस होंगे, पहले से ही कुछ ना कुछ वो लेके चल रहा होगा, तो वो रिसर्च पर उसका असर पड़ेगा। तो यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम ऑल बायसेस और प्रेजुडिसेस, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है। एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है करेक्टरिस्टिक्स की, वो ये है कि इट इज़ ऑलवेज कॉन्टेक्चुअल इन नेचर। एक्शन रिसर्च जो है वो कॉन्टेक्चुअल है। कॉन्टेक्चुअल का मतलब ये है कि परिस्थितियों के हिसाब से होता है।
क्लासरूम के माहौल, क्लासरूम का वातावरण, मेरे क्लासरूम का कैसा वातावरण है, किसी और के क्लासरूम का कैसा वातावरण है, किसी तीसरे टीचर का क्लासरूम का वातावरण है, वही बच्चे पढ़ा रहा हूँ मैं, सिक्स में मैं पढ़ा रहा हूँ, सेवन सिक्स में कोई और टीचर पढ़ा रहा है, सिक्स क्लास में कोई और टीचर पढ़ा रहा है, तीन टीचर अलग अलग, पर जो समाज, जो माहौल है, वातावरण है क्लासरूम का, वो हो सकता है अलग अलग हो। तो इसलिए कॉन्टेक्चुअल होता है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान या शोध जो है ये कॉन्टेक्चुअल है, ये जो है परिवेश के जो है, जो परिवेश तैयार होता है, वो परिस्थितियाँ जो तैयार होती हैं, वो माहौल जो पर तैयार होता है, वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है, उसी सारगर्भित के हिसाब से होता है। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर कोई ये समझे कि एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान खाली क्वालिटेटिव रिसर्च है या क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो इट इज़ बोथ काइंड ऑफ रिसर्च, यानी कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च का भी हिस्सा है और ये क्वालिटेटिव रिसर्च का भी हिस्सा है, यानी कि कहीं कहें हम कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को मिलाकर, जहाँ ज़रूरत पड़ती है शिक्षक को, शिक्षक जहाँ चाहे इस अनुसंधान को, इस रिसर्च को करते वक्त जहाँ चाहे उसको नंबरों की भी जरूरत, क्वांटिटेटिव डाटा की भी ज़रूरत पड़ सकती है और क्वालिटेटिव डाटा की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये दोनों तरह के मेथडोलॉजी, यानी कि क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी और क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी, दोनों को इस्तेमाल करके, प्रयोग करके इस रिसर्च को, इस एक अनुसंधान को पूरा किया जा सकता है। इसके आम तौर पर एक्शन रिसर्च क्या नहीं है, अब ये जरूरी है, एक्शन रिसर्च तो समझ में आया कि बच्चों को के जो अचीवमेंट लेवल है उसको बेहतर करना है, करिकुलम को चेंज करना है, टीचिंग मेथड्स को अगर आपने चेंज बेटर करना है, स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है, ठीक है ना, स्कूल के एनवायरनमेंट को बेटर करना है, तो ये एक एक्शन रिसर्च हो सकता है। पर एक्शन रिसर्च क्या नहीं है ये भी ज़रूरी है समझना, व्हाट इज़ नॉट एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च क्या नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, याद रखिएगा, कि जहाँ आप लाइब्रेरी में गए, जहाँ आप फील्ड में गए और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लिया, ये बात समझ लीजिए इस बात को, मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर ये गलत फहमी रहती है कि एक्शन रिसर्च जो है प्रोजेक्ट है, पर एक्शन रिसर्च एक प्रोजेक्ट नहीं है कि जहाँ आप गए फील्ड पर और आपने डाटा कलेक्ट किया और आप वापस आ गए, वो प्रोजेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्रोजेक्ट एट ऑल, इट इज़ अ रिसर्च एंड इट हैज़ टू बी डन बाई अ प्रैक्टिशनर एंड इट हैज़ टू बी डन बाई अ टीचर to improve his classroom environment, his students' achievement, to improve the curriculum, to improve the assessment strategies, ye main maksad hai, theek hai, to it is not a project at all. Dusra, we are not here to solve, normally research mein kya hota hai, ki aap dono cheeze dekhte hain, pehlu se dekhte hain, solution ke pehlu se bhi dekhte hain, aur jo solution nahi hai, uske bhi pehlu se dekhte hain. उस एस्पेक्ट में भी देखे, दैट इज प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट इज नॉट द प्रॉब्लम, वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम डेफिनेटली, बट इट इज नॉट द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द वे इट द रिसर्चर्स आर डूइंग, हमारा नॉलेज जनरेशन करने का कतई मकसद नहीं है, वी आर हियर, हम जो है एक्शन रिसर्च में नॉलेज जनरेट नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ नॉलेज, कीप इट इन माइंड, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम नॉलेज नहीं जनरेट कर सकते हैं और नॉलेज जनरेट नहीं कर रहे हैं हम लोग, कि जैसे बाकी रिसर्चेज में क्या होता है कि जब हम फील्ड में जाते हैं, हम रिसर्च करते हैं, वी कम आउट विद अ सॉल्यूशंस, वी एक्चुअली जनरेट अ नॉलेज, वी जनरेट अ नॉलेज बिकॉज दिस नॉलेज इज टू बी यूज्ड बाय द पॉपुलेशन, बाय द अदर प्रैक्टिशनर्स, बाय द अदर रिसर्चर्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए उस नॉलेज को इस्तेमाल करना, उस ज्ञान को इस्तेमाल करना है, मेनली रिसर्च का मेनली मैंने कहा ना मकसद यही है कि ज्ञान का सृजन करना और उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना, ज्ञान से लोगों को लाभान्वित करना, पर एक्शन रिसर्च में ज्ञान का सृजन जो है लोगों के लाभान्वित के लिए नहीं है, लोगों को लाभान्वित के लिए नहीं, बल्कि अपने क्लासरूम को, अपने बच्चों की उपलब्धियों को, अपने टीचिंग मेथड्स को,
अपने जांच करने के तरीकों को, अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को, क्लासरूम के एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए, ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो एक्शन रिसर्च इज नॉट फॉर जनरेशन ऑफ नॉलेज, डेफिनेटली इज नीडेड फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बट नॉट फॉर जनरेटिंग अ नॉलेज। अनदर आस्पेक्ट विच इज रिलेटेड टू वॉट इज नॉट एक्शन रिसर्च इज ऑल अबाउट, इट इज नॉट अबाउट डूइंग रिसर्च ऑन और अबाउट पीपल और फाइंडिंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ए टॉपिक। यानी कि आप रिसर्च जो कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें लोगों के ऊपर नहीं कर रहे हैं एक तो, और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये भी चीज़ समझ लीजिए। आप जो रिसर्च कर रहे हैं, क्रियात्मक शोध, ये दूसरे शोधों से कैसे, रिसर्च से कैसे, अनुसंधान से कैसे अलग है, वो ये है कि ये लोगों के ऊपर नहीं किया जा रहा है कि वहाँ पर गए और लोगों से इंफॉर्मेशन नॉलेज यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, लोगों के विचार कलेक्ट किए गए और फिर हमने उनके विचारों पर, उनके जवाबों पर हमने सोल्यूशंस प्रोवाइड किए, वो नहीं कर रहे हैं हम लोग। इट इज़ नॉट एट ऑल दैट, हम वो काम ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम क्लासरूम तक कन्फाइंड हैं, स्कूल्स तक कन्फाइंड हैं और स्कूल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं और स्कूल के लिए, मैंने इसलिए कहा है कि इसका जो दायरा है एक्शन रिसर्च का वेरी स्मॉल है, छोटा दायरा है। इट इज़ एप्लीकेबल टू क्लासरूम, टू फ्यू क्लासरूम्स, टू ए पर्टिकुलर स्कूल। और एक चीज़ और गौर करने की बात है, एक्शन रिसर्च में इट इज़ वेरी पर्टिकुलरिस्टिक, यानी कि खास किस्म के क्लासरूम के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि मेरी रिसर्च, मेरी क्लासरूम, मेरा सब कुछ, माई सोल्यूशन, माई प्रॉब्लम विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एंड अ सोल्यूशन फॉर द अदर्स ऑल्सो। यानी कि मेरे ही साथी को उसी तरह की अगर प्रॉब्लम है, समस्या है, और निदान जरूरी नहीं है कि वही हो, उसका निदान कुछ और हो सकता है, तो इट इज़ माई प्रॉब्लम एंड माई सोल्यूशन एंड माई चिल्ड्रन, माई स्टूडेंट्स, माई स्कूल। इट इज़ नॉट वी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें कि लोगों के लिए कर रहे हैं हम लोग, लोगों के लिए अच्छी के लिए कर रहे हैं ना। तो इसलिए एक्शन रिसर्च जो है वो नॉर्मल रिसर्च से भिन्न इस तरीके से है कि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसका दायरा बहुत सीमित होता है। इट इज़ द स्टूडेंट्स, इट इज़ द पीपल हु आर वर्किंग विथ अस, इट इज़ द टीचर्स हु आर वर्किंग विथ अस, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर हु आर वर्किंग विथ अस, दैट आर द पीपल। इट इज़ नॉट द कॉमन पीपल, कॉमन लोगों के लिए नहीं है। इट इज़ नॉट फॉर द कॉमन, ये नॉलेज जो जनरेट हो रही है वो कॉमन लोगों के लिए नहीं है। और चौथी बात जो एक्शन रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, एक्शन रिसर्च कतई ये नहीं है कि हम क्यों कुछ चीज़ें करते हैं, बल्कि हम इसलिए, बट मोर इम्पॉर्टेंट है ये है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से बेहतर करते हैं, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक्शन रिसर्च इज नॉट ऑल अबाउट वाई वी डू सर्टेन थिंग्स, हम क्यों सब कुछ चीज़ें करते हैं। एक्शन रिसर्च इज़ नॉट एट ऑल वाई वी डू सर्टेन थिंग्स, हम क्यों कुछ चीज़ें करते हैं, बट इट इज़ ऑल अबाउट हाउ वी डू थिंग्स, हाउ वी कुन डू थिंग्स बेटर, हम कैसे बेहतर तरीके से उस काम को कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, किस लिए ज़रूरी है नहीं, वाई वी डू सर्टेन थिंग्स कोई ज़रूरी नहीं है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे कर रहे हैं। यानी कि वाई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एक्शन रिसर्च में, जितना इम्पॉर्टेंट है हाउ आप कैसे कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान का अगला हिस्सा जो है वो है टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। वंस अगेन टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च में मैं एलिन फेरेंस को कोट करना चाहूँगा, और एलिन फेरेंस ने अपने जगह पर लिखा है कहीं अपने एक्शन रिसर्च के ऊपर लिखा है कि उनके हिसाब से, उनके ख्याल से तीन तरह के एक्शन रिसर्च होते हैं। नॉर्मली थ्री टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च आ दिया। वन इज इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर, यानी कि अगर कोई एक शिक्षक, यानी कि मैं, मेरी कक्षा, मेरे विद्यार्थी, अगर एन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व ओनली, अगर एक
एक टीचर इन्वॉल्व है क्रियात्मक अनुसंधान करने में, व्हेन ओनली एंड ओनली वन टीचर इज इन्वॉल्व्ड, देन इट इज वन टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च, वेर इज वन एन इंडिविजुअल टीचर इज इन्वॉल्व्ड। सो इसमें क्या है कि व्हेन वन इंडिविजुअल टीचर इज इन्वॉल्व्ड, हिज क्लासरूम, हिज स्ट्रैटेजीज, हिज इंटरवेंशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट टू हिज क्लास और हर क्लास। यानी कि मेरी क्लास, मेरे इंटरवेंशंस, मेरी उपलब्धियां, मेरे नतीजे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। पर इसका एक नुकसान भी है, इंडिविजुअल में आपको विभिन्न विचार नहीं मिलेंगे, आपको विभिन्न तरीके के और दूसरे बेहतर तरीके जो किए जा सकते हैं, नज़रिए नहीं मिलेंगे आपको। इंडिविजुअल में ये प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च में कर सकते हैं, हम बिल्कुल करते हैं, बहुत से टीचर्स इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च करते हैं और अपनी क्लासरूम से जुड़े हुए रिसर्चेस करते हैं। पर इम्पॉर्टेंट ये है, इस रिसर्च में इट इज़ कन्फाइंड टू माई क्लासरूम, माय स्टूडेंट्स, माय इंटरवेंशंस, माय स्ट्रैटेजीज, माय, इट इज ऑल टुगेदर माय। दूसरे जो डिफरेंट व्यूज हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं जो दूसरे टीचर्स अपना रहे हैं या सजेस्ट कर सकते हैं, उसको हम अलाउ नहीं करते, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल हो गया। दूसरा है कोलैबोरेटिव, अनदर एस्पेक्ट इज कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च। कोलैबोरेटिव का मतलब ग्रुप में, जब फ्यू टीचर्स कम टुगेदर, एक साथ आते हैं, ज्वाइन टुगेदर एंड डू ए रिसर्च वर्क। एक कुछ टीचर को एक ही तरह की समस्या है, एक ही तरह की समस्या अगर है, कुछ टीचरों को अगर एक ही तरीके की समस्या है और वो कर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मिसाल या उदाहरण कि अगर आपके क्लास में, यानी कि कुछ टीचर, मान लीजिए आपके कुछ शिक्षक हैं, आप लोगों के कुछ साथी लोग हैं, आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हर वक्त क्लास से गायब रहते हैं, चाहे वो किसी की भी क्लास हो, स्कूल में आते हैं, प्रेयर के टाइम में खड़े होते हैं, फर्स्ट पीरियड अटेंड करते नहीं है, फर्स्ट पीरियड अटेंड किया नहीं, सेकंड पीरियड नहीं अटेंड किया, थर्ड पीरियड नहीं आया, फिफ्थ पीरियड में अचानक आ गए, फिर सिक्स पीरियड नहीं अटेंड किया, यानी कि ट्रुएंसी की प्रॉब्लम है। ट्रुएंसी का मतलब एब्सेंटीज़, रेगुलर बाहर रहते हैं क्लास से। तो ये कई टीचरों की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे टीचरों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर किसी एक स्कूल में, किसी एक पर्टिकुलर क्लास में सभी शिक्षकों की अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, तो वो कोलैबोरेटिव रिसर्च में काम की जा सकती है। कोलैबोरेटिव रिसर्च में इस तरह की एब्सेंटिज्म, रेगुलर एब्सेंटिज्म के ऊपर काम की जा सकती है ना। पुअर अचीवमेंट, यानी कि कुछ क्लास में सभी टीचरों का ये देखा गया है कि कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन के बच्चे जो है, उनकी जो अचीवमेंट लेवल है कई सब्जेक्ट्स में ठीक नहीं है, या पर्टिकुलरली एक टीचर, एक सब्जेक्ट के कई सारे टीचर्स हैं और वो पढ़ा रहे हैं और उन बच्चों का अचीवमेंट लेवल किसी एक सब्जेक्ट में ठीक नहीं है, मैथ्स में ठीक नहीं है, सोशल साइंस में ठीक नहीं है, तो कई टीचर मिलकर अगर उस रिसर्च को काम करें उस पर, तो कोलैबोरेटिव रिसर्च कहा जाता है। और थर्ड इज़ द अनदर टाइप ऑफ रिसर्च विच इज़ कॉल्ड द, इट इज़ कोलैबोरेटिव तो है, ये भी कोलैबोरेटिव है, बट इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च है। ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च में ये ज़रूरी है कि यू हैव टू ट्रीट स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, बहुत, देखिए एक गवर्नमेंट स्कूल्स में एक बहुत भारी प्रॉब्लम है। दिल्ली गवर्नमेंट के एक स्कूल की बात कर रहा हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट के और कई सरकारी स्कूलों की ये नॉर्मल प्रॉब्लम रहती है कि अक्सर पेरेंट टीचर मीटिंग जब बुलाया जाता है, अक्सर गवर्नमेंट स्कूल में, तो बहुत से पेरेंट्स जो है पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। बहुत से पेरेंट्स, उनकी अपनी व्यस्तता है, क्योंकि जिस कोई किसी और जिस तबके से, खास तौर पर जिस कैटेगरी का आमतौर पर बच्चे आते हैं, वहाँ पर माँ बाप दोनों ही काम करते हैं ज़्यादातर, और बहुत अक्सर मैंने देखा है कि इवन टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान भी मैंने देखा है कि पेरेंट टीचिंग पीटीएम हुए
तो अगर आपके क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों में से आप देखेंगे 4-5 बच्चों के माँ बाप आते हैं, बाकी 25 माँ बाप के माँ बाप नहीं आते हैं। फॉर लुकिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रंस एकेडमिक, कैसे उनका कैसा एजुकेशन कैसी चल रही है, शिक्षा कैसी चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टीचर से डिस्कशन करने के लिए वो नहीं आते। तो ये एक स्कूल की एक प्रॉब्लम है, हो सकती है। तो अभी पता चला है दिल्ली में कि पेरेंट टीचर मीटिंग अब बकायदा मंथली बेसिस पर होने लगी है, वेर द पर इतना मसरूफ़ होने की वजह बाद भी माँ बाप अब स्कूलों में आने लगे हैं। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरवेंशन विच हैज़ बिन ब्रॉट अबाउट बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने वो मैंडेटरी कर दिया कि पीटीएम में आना ही है माँ बाप को, और माँ बाप को खाली लाया नहीं जाता वहाँ पर बल्कि उनको वेलकम भी किया जाता है, बल्कि उनको मैंने सुना है कि कहीं कहीं जगहों पर किन स्कूल में बकायदा टेंट वेंट लगाए जाते हैं, उनको ऑनर किया जाता है, उनको वेलकम किया जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। तो दो जो जो यानी कि जो जिस तरीके का अब होने लगा है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पीटीएम मीटिंग, वो पहले नहीं होता था। तो ये एक इंटरवेंशन है स्कूल लेवल पर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। तो ये स्टेट लेवल एज एन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, स्टेट एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर कि एक वक्त पर कोई पेरेंट पीटीएम में कोई माँ बाप नहीं आते थे बच्चों की सुध लेने के लिए, बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, वहाँ पर आजकल वे सुनने में आ रहा है कि हर बच्चे के माँ बाप स्कूल में कितने भी व्यस्त हों वो माँ बाप जो हैं अपने बच्चों की सुध लेने, उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी लेने, स्कूलों तक पहुँचने। तो ये जो बदलाव कैसे आया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिसर्च, एक्शन रिसर्च डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ। तो वो इंस्टीट्यूशनल लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल रिसर्च कह सकते हैं। तो कहीं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कोई अगर डिसीजन लेना हो या कोई काम करना हो, या कम्युनिटी बेस्ड कोई काम करना हो, या कोई बड़ा फैसला लेना हो, डिसीजन मेकिंग बेस्ड कोई काम करना हो आपको, आपके इंस्टीट्यूशन को या आपके ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ पर भी इस तरह के एक्शन रिसर्चेस किए जा सकते हैं। तो ये 4 तरीके के रिसर्चेस हैं आमतौर पर। नाउ अब ये है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्शन टाइप ऑफ और टाइप ऑफ क्रियात्मक अनुसंधान का नेक्स्ट एस्पेक्ट जो मैं डील करने जा रहा हूँ, दैट इज ऑफ हाउ टू कंडक्ट एन एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च कैसे करें, किस तरीके से आप जो है क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक कैसे अपने क्लासरूम में करे, उसकी चरणबद्ध तरीके से कैसे करे, ये ज़रूरी है समझना। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, पहला है समस्या का को समझना, समस्या क्या है। ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत क्रिटिकल स्टेप माना जाता है किसी भी रिसर्च के हिस्से में बहुत क्रिटिकल एरिया माना जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। बिकॉज मैनी अ टाइम्स बहुत बार ये देखा गया है कि टीचर्स जोश में जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, कई बार तो वो प्रॉब्लम होती नहीं है, वो समस्या नहीं होती है, और दूसरी बार कई बार जो समस्या के तौर पर लेते हैं, क्या वो समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्या उसके दायरे के अंदर है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज ए क्रिटिकल स्टेप और इज ए की स्टेप, बहुत अहम चरण पद है क्रियात्मक अनुसंधान का, बहुत ही अहम चरण है, पद है। और मेरे हिसाब से जब कभी भी कोई भी टीचर समस्या को ढूंढने और पहचानने की कोशिश करे, तलाश करने की कोशिश करे, तो ये ज़रूर देखिए कि वो समस्या मीनिंगफुल है कि नहीं। मीनिंगफुल का मतलब इससे फायदा होगा कि नहीं, वेल इट इज वर्थ और नॉट। मैंने इसीलिए कहा कि समस्या का चुनाव कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर समस्या का चुनाव करके बाद वो क्या वो मीनिंगफुल है, क्या उसको किया जा सकता है कि नहीं, वेदर इट इज विद इन योर पेरिफेरल है कि नहीं, दैट इज की। तो ये ज़रूरी है कि मीनिंगफुल हो,
माने खेज हो, यानी कि फायदेमंद हो, लाभ वाले हो, लाभप्रद हो, जरूरी है। दूसरा आस्पेक्ट ये है, इट शुड बी डुएबल, इसको किया जा सके, इसको यानी कि इट शुड बी एक्शनेबल, इस पर शोध किया जा सके। मैंने पहले कहा है, कई बार हम ऐसी समस्या को तलाश कर लेते हैं जो आपके दायरे से बाहर होता है। मान लीजिए आप टाइम टेबल चेंज करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि जो है अगला जो सुबह बच्चों को बुलाया जाए, एंड इट इज़ नॉट इन योर हैंड, इट इज़ एट द हैंड ऑफ द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट, इट इज़ एट द हैंड्स ऑफ द हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्योंकि आपके क्लास को टाइम टेबल चेंज करने का मतलब ये है कि तमाम टीचरों के टाइम टेबल में चेंज होना। तो ये ज़रूरी है देखना कि आप चाहते हैं बच्चों को सुबह बुलाएं और उनका टाइम टेबल, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो डुएबल हो, यानी कि आपके दायरे के अंदर हो, आप उसको मुकम्मल कर सकें, आप उस पर काम कर सकें, आप उसको प्रयोग में ला सकें। और तीसरा है, इट इज़ रिलेटेड टू योर डेली वर्क, यानी कि आपकी रोज़मर्रा की क्लासरूम की एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ हो, आपकी क्लासरूम की एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ हो, ये बहुत ज़रूरी है ना, आपके जिस क्लासरूम, आपके इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप क्रियात्मक, आप पढ़ा स्कूल में रहें एक्स स्कूल में, क्रियात्मक अनुसंधान वाई स्कूल में करने जा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन। आप सिक्स ए में पढ़ा रहे हैं और आप सिक्स बी के में क्रियात्मक अनुसंधान करने जा रहे हैं कि मैं उनको बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उन बच्चों के बारे में नहीं जानकारी, उस समाज के बारे में जानकारी नहीं है, उनके माहौल, उनके स्कूल, उस क्लासरूम के वातावरण के बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तीन आस्पेक्ट पर ज़्यादा गौर करें जब आप क्रियात्मक अनुसंधान का जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसकी पहचान करें। वन, इट शुड बी मीनिंगफुल, यानी कि लाभप्रद होना चाहिए। दूसरा, इट कैन बी डूएबल, उसको हम अंजाम तक पहुँच सकें, उस पर एक्शन कर सकें, उसको हम उस पर अनुसंधान कर सकें। और तीसरी बात है, इट शुड बी रिलेटेड टू योर डेली एक्टिविटीज़, आपके डेली एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब आप प्रॉब्लम को फ्रेम करें, यानी कि लिखें, उसकी रचना करें, उसको लफ्ज़ों में लिखें, शब्दों में लिखें, तो कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ज़रूर ध्यान दें। पहली बात ये लिखें कि ये जो है एक सवाल की शक्ल में जो है इस तरह के, यानी कि हायर ऑर्डर क्वेश्चन की शक्ल में ना हो, इट शुड बी मोर ऑफ ए स्टेटमेंट, सवाल की शक्ल में ना हो, क्वेश्चन की शक्ल में ना हो, इट शुड बी इन अ स्टेटमेंट फॉर्म, बट दैट टू ऑल्सो स्टेटमेंट शुड बी वन, इट शुड बी सिंपल, आसान लफ्ज़ों में, आसान मीनिंग, बड़ा आसान लफ्ज़ों में उसको आपने रचा हो, ठीक है ना, कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल करें, मुश्किल लफ्ज़ों का, शब्दों का इस्तेमाल ना करें, प्रयोग ना करें, और बहुत ही कंसाइज ब्रीफ हों, यानी कि स्टेटमेंट, यानी कि आपका जो प्रॉब्लम हो, इट शुड बी वेरी ब्रीफ, बहुत बड़ा, यानी कि दो या तीन लाइनों का जो है एक्शन रिसर्च का प्रॉब्लम ना हो, बेहतर होगा कि इट शुड बी ऑफ वन लाइन एक्शन रिसर्च, यानी कि आपका जो प्रॉब्लम हो, जो समस्या हो, वो एक लाइन में ख़त्म हो जाए। फिर मैंने कहा, सबसे बड़ी बात यह है, इसका पहले से ही सल्यूशन नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट हैव ऑलरेडी आंसर्स, अगर आपके पास जवाब पहले से ही मौजूद है तो वो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, इट शुड नॉट हैव एनी आंसर्स, यानी कि आप आंसर की तलाश कर रहे हैं, सॉल्यूशंस खोज रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो जब भी आइडेंटिफाई करें, इस बात का ध्यान रखें कि इट शुड बी मीनिंगफुल, इट शुड बी डूएबल, और इट शुड बी रिलेटेड टू योर डेली वर्क, डेली क्लासरूम एक्टिविटीज, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली व्हेन यू आर फ्रेमिंग अ टाइटल ऑफ एक्शन रिसर्च, इट शुड बी स्मॉल, इट शुड बी क्रिस्प, इट शुड बी ब्रीफ, इट शुड बी कंसाइज, एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट इट शुड नॉट हैव एनी आंसर्स,
या आपके पास उसके जवाब पहले से ही मौजूद ना हो, दैट इज की। अगला स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। का किसी ने मुझसे पूछा है कि क्या हाइपोथेसिस नहीं बनेगा? अगर आपका एक्शन रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इफ इट्स एन एक्सपेरिमेंट, इंटरवेंशन इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, वेर इन यू आर यूजिंग एन इंटरवेंशन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, अगर आपका क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पर है तो डेफिनेटली हाइपोथेसिस बनेंगे। बट मैंने ये कहा है कि जहाँ नहीं है, मान लीजिए कोई एक ऐसा रिसर्च है क्रियात्मक अनुसंधान जो क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं, आप पता लगाना चाहते हैं कि आपकी क्लास में बच्चे क्यों गायब रहते हैं, ट्रुएंसी क्यों है, क्यों रहते हैं, तो उसमें आपको क्वांटिटेटिव डाटा की जरूरत नहीं है, इंटरवेंटेशन इस तरह की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंट की जरूरत, आप रीजंस फाइंड आउट करेंगे। तो जब क्वालिटेटिव रिसर्च हो, क्वालिटेटिव रिसर्च हो, अगर एक्शन रिसर्च क्वालिटेटिव काइंड ऑफ रिसर्च हो तो हाइपोथेसिस बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च हो और वो भी एक्सपेरिमेंटल हो तो आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। डाटा गैदरिंग टूल्स, नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप तो आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया रिसर्च का, दूसरा स्टेप जो है वो डाटा, हाउ टू कलेक्ट द डाटा, हाउ टू कलेक्ट द डाटा, वो क्या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वो क्या तरीके आपके पास, क्या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिसके जरिए आप डाटा कलेक्ट करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली एक्शन रिसर्च में विभिन्न प्रकार के टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, दिस कुड बी स्टैंडर्डाइज्ड टूल और सेल्फ मेड टूल, दोनों हो सकते हैं, सेल्फ मेड यानी कि खुद टीचर ने तैयार किया हो ऐसे टूल्स भी हो सकते हैं, और ऐसे टूल्स भी हो सकते हैं जो पहले से ही मौजूद हों, स्टैंडर्डाइज्ड हों, वेल स्टैंडर्डाइज्ड हों, तो वो दोनों तरह के टूल हो सकते हैं। बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर एन एक्शन रिसर्च, हमेशा एडवाइजेबल है कि एक्शन रिसर्च में जहाँ तक हो सके आप अपने टूल्स तैयार करें, क्योंकि यू नो वेरी वेल अबाउट योर क्लास, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अपनी क्लास के बारे में, इसलिए ये एडवाइजेबल है कि आप अपने क्लास के बच्चों के हिसाब से टूल्स तैयार करें। एंड वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स यू कैन यूज, यू कैन टू यूज एम्पल नंबर ऑफ टूल्स, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे यू कैन यूज इंटरव्यू, यू कैन यूज पोर्टफोलियोज, यू कैन यूज डायरीज, फील्ड नोट्स, जर्नल्स, वीडियो टेप्स, सर्वे, सेल्फ असेसमेंट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट, क्वेश्चनेयर्स, यानी कि यू कैन प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, रूब्रिक्स इस्तेमाल कर सकते, यानी कि आप कुछ भी ऐसा कोई भी टूल जिससे आपके बच्चे की इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से मिल जाए। हम लोग रिपोर्ट कार्ड्स बनाते हैं, दैट कैन बी एज यूज एज टूल, वी मेक पोर्टफोलियोज, दैट कैन बी एक्ट एज अ टूल, वी मेक रूब्रिक्स, दैट कैन बी एक्ट एज अ टूल, जर्नल्स हम लोग बना सकते हैं, स्टूडेंट के इंडिविजुअल जर्नल्स कैन बी यूज एज अ टूल, टीचर्स के जर्नल्स कैन बी यूज एज अ टूल, ऑडियो टेप्स हैं, वीडियोज़ हैं, ये सब टूल्स का काम कर सकते हैं, चेकलिस्ट हैं, ये सब तमाम तरीके के जो टूल्स हैं इनको वक्त वक्त पर समय अनुसार या समस्या के अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप एक या दो, कई सारे टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे टूल एक वक्त पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी लेबल्ड नहीं होता है कि आपने क्रियात्मक अनुसंधान में यही पर्टिकुलरली कोई खास तौर पर टूल इस्तेमाल करना है, जो आपके प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ जो इन्फॉर्मेशन है वो बेहतर ढंग से कैसे आप कलेक्ट कर सकते हैं वो बेसिकली टूल बन सकता है, वो आपका टूल बन सकता है। तो इट कैन बी, इसलिए मैंने कहा इट कैन बी एन इंटरव्यू, इट कैन बी फोकस ग्रुप डिस्कशन, इट कैन बी जर्नल्स, इट कैन बी पोर्टफोलियोज, इट कैन बी वीडियोज, इट कैन बी ऑडियोज, इट कैन बी प्रोजेक्ट वर्क, इट कैन बी अटेंडेंस रिकॉर्ड, इट कैन बी स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, इट कैन बी चेकलिस्ट,
एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये तमाम तरह के जो रिकॉर्ड हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्शन रिसर्च में। अगला जो स्टेप है, थर्ड स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च इज इंटरप्रेटिंग ऑफ डाटा। इंटरप्रेटिंग ऑफ डाटा यानी कि जो डाटा आपने इन टूल से कलेक्ट किया है, ये जितने भी टूल्स हैं जिनके ज़रिए आपने डाटा कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, हासिल की है आपने इंफॉर्मेशन बच्चों से या जहाँ से भी आपको जिस क्लासरूम से हासिल की है, तो अब इसको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट का मतलब ये है कि इंटरप्रेट आम तौर पर जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, सबसे पहले डाटा को आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। कैटेगराइजेशन ऑफ डाटा, इट कैन बी ऑन इंडिविजुअल बेसिस, इट कैन बी ऑन ग्रुप बेसिस। इंडिविजुअल बेसिस पर कर सकते हैं, ग्रुप बेसिस पर डाटा को कैटेगराइज कर सकते हैं। इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ थीम बेसिस ऑल्सो, थीम बेसिस पर भी आप डाटा कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। मेजर थीम आइडेंटिफाई करके उसके बेसिस पर भी डाटा कैटेगराइजेशन, थीम बेसिस ज़्यादातर क्वालिटेटिव काइंड ऑफ एक्शन रिसर्च में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्वालिटेटिव वाले में ज़्यादा। इसके अलावा यू कैन एनालाइज का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, खास तौर पर जहां आप एक्सपेरिमेंटल एक्शन रिसर्च कर रहे हैं, जहां पर इंटरवेंशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल। मैं एग्जांपल आपको बता दूं कि जहां कोई आप मेथड, नया मेथड ट्राई कर रहे हैं, उसका इफेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों पर कि क्या उस मेथड की वजह से मेरे स्टूडेंट्स के अचीवमेंट लेवल पर फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, है ना, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का अगर कोई रिसर्च है तो वहाँ पर स्टैटिस्टिकल टूल इस्तेमाल किया जा सकता है, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके टी टेस्ट हो गया, है ना, टी टेस्ट वन, सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, यानी कि सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए, सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कर सकते हैं, और उससे जो स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल की जाएगी टी टेस्ट का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। तो अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है और एक्शन रिसर्च में इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लेकर, तो हम लोग स्टैटिस्टिकली एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। दूसरी चीज़ और भी है कि हम लोग ओपिनियन से या चेकलिस्ट के ज़रिए भी या एटीट्यूड के ज़रिए, रेटिंग स्केल के ज़रिए भी हम डाटा को कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि डाटा का जो कैटेगराइजेशन होगा और इंटरप्रटेशन होगा वो डिपेंड करता है आपने कौन सा टूल सेलेक्ट किया है या कौन कौन से टूल सेलेक्ट किए हैं। इफ़ द डाटा अगर आपको शब्दों की शक्ल में मिल रहा है, क्वालिटेटिवली मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी थीम बेस्ड, इट विल बी कैटेगरी बेस्ड, थीम बेस्ड और कैटेगरी बेस्ड, थीम बेस्ड और कैटेगरी बेस्ड होगा। बट इफ इट इज़ अ क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा यानी कि आपके पास नंबर हैं कौन है, तो स्टैटिस्टिकल हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, और आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, जो भी आप लगाना चाहें, डिस्क्रिप्टिव, मीन, मीडियन, हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएशन, वो सब लगाया जा सकता है, टी टेस्ट लगाया जा सकता है, अगर आपका डाटा क्वांटिटेटिव है। और अगर आपका क्वालिटेटिव डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा है, तो आप थीम बेस्ड, कैटेगरी बेस्ड आइडेंटिफाई करके उस डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आपका ऐसा है कि दोनों हैं, तो यू कैन यूज़ बोथ ऑफ द, स्टैटिस्टिकली भी कर सकते हैं और साथ में आप उसको क्वालिटेटिवली भी एनालाइज कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिवली भी एनालाइज किया जा सकता है। तो थर्ड जो आपका स्टेज था वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि वंस द डाटा हैज बीन एनालाइज्ड, आपके पास नतीजे आ गए, आपके पास यू हैव गॉट द एविडेंसेस, रिजल्ट आपके हाथ में है, नाउ व्हाट टू डू, उस रिजल्ट का क्या करें, यह इंपॉर्टेंट, यहां स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। व्हाट टू डू विद द रिजल्ट, नाउ एक्ट ऑन दैट रिजल्ट, प्रिपेयर एन एक्शन प्लान, आपको एक एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा कि जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक आपको एक एक्शन प्लान तैयार करना है, आपको एक योजना तैयार करनी है, योजना तैयार करनी है कि उस नतीजे के बुनियाद पर आपको एक योजना तैयार करनी है कि आप इस योजना को कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, एक्शन में लाया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट इज एक्ट ऑन एविडेंस, जो आपने इंफॉर्मेशन, कोई भी हो,
आपने जो भी लिया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, जो भी आपके पास नतीजे आ रहे हैं, अब इम्पॉर्टेंट ये है उस नतीजों पर काम करना, एक्शन लेना। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि एक्शन लेने से पहले प्लान तैयार करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात है, वंस व्हेन यू आर ड्राइंग ए प्लान, जब आप प्लान तैयार कर रहे होंगे एक्शन लेने के लिए कि आगे मैं ये काम करूंगा इस प्लान के तहत, तो कीप इन माइंड दैट वन एट ए टाइम, एक प्लान में एक ही चीज़ को एड्रेस करें, यानी कि अगर कोई मल्टीपल वेरिएबल्स आ गए हैं आपके पास, बहुत सारे वेरिएबल्स आपके पास आ गए हैं इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि बच्चों का ये भी ख़राब है, ये भी एंग्जाइटी लेवल भी है, पर्सनालिटी भी है, अचीवमेंट लेवल भी है, तो सभी को एक साथ ना टारगेट करें, सभी के लिए अलग अलग एक्शन प्लान बनाएं, अलग अलग एक्शन प्लान अलग अलग आउटकम्स के लिए, यानी कि जो नतीजे आउटकम आए हैं उनके लिए सेपरेट एक्शन प्लान्स तैयार करें एंड ट्राई वन बाई वन। यानी कि अगर आपके पास जो नतीजे आए हैं उसकी बुनियाद पर आप एक्शन प्लान तैयार करें और कीपिंग इन माइंड वन एक्शन एट वन टाइम, यानी कि एक वेरिएबल को एड्रेस करें एक ही बार, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा अगर आपने कई वेरिएबल्स को, कई चीज़ों को एक साथ मिश्रित कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा जो नतीजा आ रहा है, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है वो किसकी वजह से है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसी एक वेरिएबल, किसी एक फैक्टर को लेकर एक्शन प्लान तैयार करें और उस पर एक्ट करें, उस पर काम करें, उसको प्रयोग में लाएं, ठीक है ना, और जिसकी वजह से नतीजा आपको देखने को मिलेगा। फ़र्ज़ कीजिए पहला एक्शन, पहले वेरिएबल के हिसाब से, पहले फैक्टर के हिसाब से आपने काम किया और उसका रिजल्ट नहीं आया, तो ट्राई फॉर द सेकंड फैक्टर, ट्राई फॉर द थर्ड। जिस फैक्टर की बुनियाद पर वो एक्शन हो रहा है, जो पॉजिटिव आ रहा है, वो फैक्टर कारगर है, ठीक है, वो वेरिएबल कारगर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप आउटकम आपके पास आ गया, एनालाइज कर लिया, डाटा इंटरप्रेट कर लिया, आपके पास नतीजे आ गए, आउटकम आ गया, उसके बाद उस आउटकम पर एक्शन लेने की बात है। तो एक्शन जब भी लें, प्लान बनाएं, और प्लान जब बनाएं, योजना जब बनाएं, योजनाबद्ध करें जब, तब हमेशा एक एक्शन एट ए टाइम लें, एक आउटकम एक एट ए टाइम लें, एक वेरिएबल एट ए टाइम लें और उसके ऊपर एक्शन का काम करें, उसको ट्राई आउट करें, पहले उसका असर देखें, उसका इफेक्ट देखें कि क्या नतीजा आ रहा है, दैट इज़ की। और जब नतीजा, अब क्या है कि जब आपने एक्शन ले लिया, एक एक के बाद एक्शन, मान लीजिए आपने तीन वेरिएबल्स निकाले, तीन एक्शन प्लान बनाए और आपको पता चल गया कि किस एक्शन की वजह से, किस फैक्टर की वजह से, किस वेरिएबल की वजह से उसमें तब्दीली आनी चाहिए, ये पॉजिटिव हो रहा है, बाकी इसमें कोई असर नहीं है या नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो इवैल्यूएट द, अगला स्टेप है इवैल्यूएट द रिजल्ट, ठीक है। एक्शन करने के बाद अलग द स्टेप इज इवैल्यूएट द रिजल्ट, इवैल्यूएट यानी कि जांच करें, जांच मतलब उस एक्शन प्लान का जांच करें, जो आपने एक्शन लिया है उसकी जांच करें कि किस एक्शन प्लान की वजह से, किस फैक्टर की वजह से, किस वेरिएबल की वजह से उसमें चेंज आया है, इम्प्रोवाइजेशन हुआ है, बेहतर हुआ है, अच्छा हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इवैल्यूएट करें, इवैल्यूएट द रिजल्ट्स, और ज़रूरी ये है कि That evaluation will gives you a clue. वो evaluation, वो result आपको clue देगा कि अब आगे चल के हमको इसको अपने practice में लाना है। देखिए वो जो result आएगा, outcome, जो action plan बनाने के बाद जो result, जो आप act करेंगे उसके ऊपर, तो different results आएंगे। जो results आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, जो outcome आ रहे हैं, उनको, उनमें से जो सबसे बेहतर होगा, सबसे बेटर होगा ऑप्शन आपके पास, उसको आप डेली प्रैक्टिस में लेके आएंगे। दैट इज़ व्हाट इज एक्शन रिसर्च इज ऑल अबाउट। जो सबसे बेस्ट नतीजा होगा, सबसे बेस्ट आउटकम होगा, वो आप प्रैक्टिस में लेके आएंगे। दैट इज़ द की, कि आपको सारे अल्टरनेटिव में से जो भी आपके रिजल्ट्स आए वो सब अल्टरनेटिव्स हैं,
हो सकता है कुछ अच्छे हों और कुछ ना हों, उसमें अल्टरनेटिव में ऐसे भी आ सकते हैं कि अल्टरनेटिव में इम्प्रोवाइज नहीं हुआ या कुछ अल्टरनेटिव में इम्प्रोवाइज हुआ। तो जो अल्टरनेटिव बेस्ट आपको रिजल्ट दे रहा है उस रिजल्ट को आपने अपने दिनचर्या में, आपके क्लासरूम की एक्टिविटीज़ में, क्लासरूम के एक्शंस में, क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करना है। दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट हैज़ टू, बिकॉज इट हैज़ बिन टेस्टेड ऑलरेडी, वो टेस्ट हो गया है एंड नाउ इट हैज़ टू बी एक्ट। नाउ उसको आपको दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। इट शुड बी ए पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, पार्ट ऑफ ए क्लासरूम एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी का हिस्सा बन गया। इन केस अगर मान लीजिए जो भी नतीजा आता है, कोई भी नतीजा जो आता है, आपने एक्शन प्लान बनाया, नतीजा आया और कोई भी अच्छा नहीं आया नतीजा, सो व्हाट, सो व्हाट नेक्स्ट, गो बैक टू वंस अगेन, साइकिल दोबारा शुरू होगी, साइकिल दोबारा शुरू होगी। अगर मान लीजिए जो भी आपने आउटकम निकाले हैं, नतीजा निकाला है और उसको नतीजा कहीं पर भी पॉजिटिव नहीं आया है, इम्प्रोवाइज नहीं आया है, तो यू हैव टू गो टू वंस अगेन द सर्कल, जो कि मुमकिन कम होता है आमतौर पर। अगर आपने सिस्टमेटिकली तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से सोच विचार करके ढंग से किया है, तो नॉर्मली तीन चार अगर रिजल्ट्स आए हैं उनमें से एक रिजल्ट या दो रिजल्ट्स बेटर होते हैं, ऑप्शंस होते हैं ऑलवेज बेटर, तो आपको अब उनको एक्शन में लेके आना है, उसको आपने इफेक्ट में लाना है, डेली एक्टिविटीज़ में लेके आनी है। ये बहुत कम देखने को मिला है कि कोई कुछ नतीजे आए हों, कुछ रिजल्ट्स आए हों और वो रिजल्ट्स को नकारात्मक रिजल्ट्स आए हों, ऐसा नहीं होता है। कुछ रिजल्ट्स नकारात्मक हो सकते हैं बट कुछ पॉजिटिव भी रिजल्ट्स होते हैं, उस पॉजिटिव रिजल्ट्स को ही आपको डेली रूटीन में लेके आना है। तो मैंने इसलिए कहा कि इट हैज टू बी डन कंटिन्यूअसली। देखिए मैंने ये कहा है कि एक्शन रिसर्च इज नॉट वन टाइम, एक बार का अफेयर नहीं है, एक दिन का अफेयर नहीं है, आपने अपनी प्रैक्टिस को रेगुलरली इंप्रूव करना है, रेगुलरली इंप्रूव करना है। So that's why this cycle, this action research cycle goes on and on, and throughout the year, throughout your teaching cycle, आपकी जो teaching cycle, teaching learning cycle है उसमें throughout रहेगा ये, और तभी आप सही मायनों में जो है अपनी और अपने छात्रों की, अपने विद्यार्थियों के का भला कर पाएंगे। That is key. Now लास्ट सेक्शन है हमारा, लास्ट सेक्शन है, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ एक्शन रिसर्च। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्शन रिसर्च, क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है इस एक्शन रिसर्च के? बहुत सारे लाभ हैं। पहली बात तो लाभ ये है कि क्योंकि हमें समस्या उत्पन्न हुई है, समस्या हमारे को मिली है, उस समस्या को हम कलेक्टिवली, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान में जब आप कलेक्टिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ ओइंग ए प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, सेंस ऑफ ओनरशिप, आपको लगता है ये मेरी प्रॉब्लम है। जब आप इसके बेनिफिट देखिए, समझिए कि जब आपने समस्या की पहचान की, तो समस्या की पहचान जब आपने कोलैबोरेटली की, कलेक्टिवली की, तो सबको लगता है कि ये मेरी समस्या है और इसका निदान जो है हम करेंगे, तो सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्शन रिसर्च में सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू सॉल्व इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आपने उसकी ओनरशिप ली, जिम्मेदारी ली और साथ साथ में उसका निदान करने का, उसका उपचार करने का भी आपने जिम्मेदारी ली, तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ इट। You are not only identifying a problem, but also solving that problem. समस्या का समाधान निदान भी कर रहे हैं, तो that sense of ownership, that you have contributed something, आपने कुछ काम किया, कुछ contribute किया, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा है, it is one of the form of professional development. बहुत से स्कूलों में बहुत सारे teachers इसको बकायदा अपने व्यवसाय का एक अभिन्न अंग बना चुके हैं और इसके फलस्वरूप उनके अंदर बहुत तब्दीलियां आई हैं, उनके पेशे से, उनके व्यवसाय से जुड़ी बहुत सारी तब्दीलियां उनको अपने अंदर देखने को मिली है, उनके बच्चों में देखने को मिली है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स,
one of the forms of professional development of teachers. तीसरी बात जो collegial interactions, ये आपको मौका देता है, ये आपको मौका देता है कि आप मिलकर collegial expectation में मिलकर आप एक दूसरे के साथ मिलकर समस्या का समाधान करें, समस्या का professional development simultaneously हो रहा है, समस्या का समाधान साइमल्टेनियसली हो रहा है. देखिए इट्स अ जॉइंट ओनरशिप है. प्रोफेशनल डेवलपमेंट खाली मेरा ही नहीं हो रहा है, किसी और सब जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सब के एक दूसरे के इंटरैक्शन की वजह से सबकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है, सबकी. और इसमें नेटवर्किंग की भी बढ़ती है बात, ये भी है कि एक दूसरे से लोग जुड़ते भी हैं, लोग इंटरैक्ट भी होते हैं. सबसे बड़ी बात है जो भी समस्याएं है उसका समाधान, आपको विचार नए मिलते हैं, आपको स्ट्रैटेजीज नई मिल जाती हैं, आपको नया नज़रिया मिल जाता है, ये भी मिलता है, सबसे बड़ी बात है. सब और एक और ये है, स्कूल में क्लासरूम में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है, स्कूल में या क्लासरूम्स में या इंस्टीट्यूशन में ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है. क्रियात्मक अनुसंधान हमेशा पॉजिटिव चेंज लेके आता है, हमेशा पॉजिटिव चेंज, इट ऑलवेज ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज, एक बहुमूल्य इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है, सब तरफ एक पॉजिटिवनेस पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आता है, लोगों के अंदर उत्साह बढ़ाता है, नई चीज़ें पैदा होती हैं, नया स्वरूप पैदा होता है, नई कार्यशैली पैदा होती है, नए टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज डेवलप होती हैं, विद्यार्थियों में परिवर्तन देखने को मिलता है. तो ये जो चीज़ें हैं ये इम्पैक्ट करती हैं स्कूल को एज ए होल बड़ा इम्पैक्ट करती हैं. अगला पार्ट, जो अगला एस्पेक्ट है, व्हाट इज बेनिफिट है, अपने रिफ्लेक्ट ऑन ओन प्रैक्टिसेस, आप अपनी प्रैक्टिसेस को भी, अपनी प्रैक्टिसेस जो आप जो दिनचर्या में कर रहे हैं, क्लासरूम में कर रहे हैं, उस पर मैंने कहा था रिफ्लेक्ट करना है, अपने नज़रिए को, अपनी सोच को, अपने एक्शंस को, अपनी एक्टिविटीज़ को जो आप क्लासरूम के अंदर कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, उसका इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलता है, उस पर सोच विचार करने का मौका मिलता है, अपने उसमें नई चीज़ें जोड़ने का मौका मिलता है, आप नई चीज़ें जोड़ सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है. तो इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन एक अपनी जो क्रियाकलापें हैं, जो भी आपने एक्टिविटीज़ की, उसके ऊपर आपको नया नज़रिया मिल जाता है, सोच विचार करते हैं तो आपको नई चीज़ें दिखती हैं, आप बदलना चाहते हैं उन पुरानी चीज़ों को, जो अब तक हो रहा है आप उनको बदलना चाहते हैं. तो ये इस तरह का चीज़ें आपको अपनी कमियाँ, खूबियाँ वो भी नज़र आती हैं. एक्शन रिसर्च आपको ये मौका देता है, आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जो हैं अपने अंदर की स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस वो भी आइडेंटिफाई करें. दैट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी, यू कैन वर्क अपॉन ऑन योर वीकनेसेस, आपको मौका देता है कि आपकी कमजोरियों पर, खामियों पर आप वर्क कर सकें, अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम कर सकें, ये भी आपका वर्क है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशंस. इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशंस का मतलब ये है कि लोगों के दरमियान, लोगों के बीच संवाद बढ़ता है. एक्शन रिसर्च गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद द पीपल. संवाद चैनल ऑफ, यानी कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन हो जाता है. कई टीचर्स जो है, मैंने बहुत से स्कूल अपने याद है मेरे को, अपने स्कूलों के दिनों में याद है, बहुत से टीचर्स थे जो टीचर बच्चों से बहुत संवाद करना कम करते थे, बहुत से टीचर्स थे जो अच्छे संवाद करते थे. तो संवाद करने से आप बच्चों के बारे में, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, वो क्या करते हैं, उससे आपके साथियों के साथ है उनके बीच में, उनके साथ संवाद करने से कई सारी चीज़ों का पता चलता है. तो सब डायलॉग ओपन हो जाता है, टू टाइप टू, यानी कि मल्टीपल डायलॉग सिस्टम ओपन हो जाता है, संवाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कई चीज़ें खुल जाती हैं, कई नई चीज़ें पता चलती हैं, समस्याएं उभर के आती हैं, उसका निदान भी उभर के आता है, कई नई चीज़ें पता चलती हैं. तो इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू
have an improvised communication among your students, among with your student groups, among your peer groups, अपने प्रिंसिपल के साथ, अपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, तमाम लोगों के साथ, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है. मेरे ख्याल से जहाँ तक थ्योरी की बात थी, वो ज़्यादातर मैंने थ्योरी की तो बात कर ली है. प्रैक्टिस की बात जहाँ तक आती है, प्रैक्टिस के बाद मैं एक छोटा सा मैं आपको एक बता रहा हूँ, हाउ टू कंडक्ट एन एक्शन रिसर्च. अभी हाल ही में मैंने छोटा सा प्रैक्टिस किया था, किया है कि मतलब प्रपोजल तैयार किया है, कि मैंने पहले कहा है कि वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग एन एक्शन रिसर्च, वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग एन एक्शन रिसर्च इज दैट कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल, मैंने कहा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को भी आप एक्शन रिसर्च के अंदर डाल सकते हैं. तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल बीएड के कोर्स में आईसीटी एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक डिसिप्लिन के तौर पर उभरा है, वो इंटीग्रेट हुआ है, और बहुत से बच्चे आज के ज़माने में भी जो गांव के हाथ से आते हैं या जो रिमोट एरिया से आते हैं, स्कूल और कॉलेज से, ऐसे स्कूल और कॉलेज से आते हैं जहाँ पर कि ना कि उनको कंप्यूटर्स ज़्यादा सही तरीके से, या कंप्यूटर से जानकारी तो होती है पर उनको चलाना, उसको मैनेज करना नहीं आता है. तो मैंने अपने इंस्टीट्यूशन में ये देखा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हिचकिचाहट भी हो सकती है, हो सकता है डर भी हो सकता है, ये हो सकता है ना भी आता हो. तो वन थिंग यू कैन डू इज़ दैट कि जो MS ऑफिस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे एक्सेल है फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पर MS एक्सेल सिखाया जाता है. MS एक्सेल से आप डाटा से कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, तो MEd प्रोग्राम में है. तो मैंने एक अभी रिसर्च क्या कहते हैं प्रपोजल लिखा है एक्शन रिसर्च के ऊपर, कि एक्शन रिसर्च में ये लिखा है कि हाउ टू डू सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, यानी कि मीन मीडियन मोड या स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सेल से कैसे कराएं. तो बच्चों को कंप्यूटर आता है ये बात समझ में आती है, बट कैसे उससे स्टैंडर्ड डिविएशन मीन निकाला जाए ये उनको पता नहीं था. तो मैंने उस प्रपोजल में अभी लिखा है कि आप क्या कर सकते हैं, कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाउ MS एक्सेल, हाउ MS यानी कि इफेक्ट ऑफ MS एक्सेल, इफेक्ट ऑफ MS एक्सेल सॉफ्टवेयर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ, इफेक्ट ऑफ MS एक्सेल सॉफ्टवेयर ऑन इम्प्रूव्ड ऑफ कैलकुलेशन रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से जुड़ी हुई कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए MS एक्सेल का इफेक्ट देखना था. तो मैंने क्या किया उसमें, मैंने ये किया कि अपनी MEd की क्लास को लिया हुआ है, उसमें जिन बच्चों को कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता है, एक्सेल MS आता है, MS एक्सेल आता है, प्री रिक्विजिट ये माना है कि MS एक्सेल उनको आता है, उसको मैंने उन लोगों को लिया, पूरी क्लास को लिया और उनको सिखाया. बकायदा उसमें मैंने ये लिखा है कि उसमें मैंने सिखाया MS एक्सेल को, MS एक्सेल के ज़रिए कैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब सिखाया. और उसको सिखाने के बाद, जब मैंने उसको 10-15 दिन तक सिखाया, उसके बाद मैंने क्या किया, उनको कुछ प्रॉब्लम्स दिए रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, हाउ टू कैलकुलेट मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, तो कैसे कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ MS एक्सेल, विद द हेल्प ऑफ MS एक्सेल कैसे कैलकुलेट करें. तो मैंने उनको पहले सिखाया, सिखाने के बाद मैंने उनको कुछ प्रॉब्लम्स दी. सिखाने से पहले मैंने उनका टेस्ट लिया, उन्हीं MS एक्सेल की से पहले का, वही जो मैंने जो प्रॉब्लम्स दी थी उनको मैंने प्री टेस्ट के तौर पर प्रॉब्लम्स दी, और उसी चीज़ को मैंने पोस्ट टेस्ट में भी वही प्रॉब्लम्स दी, बट इस बार उन्होंने पोस्ट टेस्ट में उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड किया, और मैंने ये देखने की कोशिश की कि कैसे कितना तब्दीली आती है. तो पोस्ट टेस्ट में मैंने उनको दिया वो प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम देने के बाद, अभी कंडक्ट नहीं हुआ है बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पोस्ट टेस्ट में रिजल्ट इम्प्रूव्ड होगा, यानी कि MS एक्सेल ट्रेनिंग से पहले MS एक्सेल उनको आता था, मीन मीडियन मोड उनको मैनुअली निकालना आता था, सेंट्रल टेंडेंसी उनको मैनुअली निकालना आता था, हाथ से निकाल सकते थे,
बट उनको कंप्यूटर बेस्ड एक्सेल बेस्ड नहीं निकालना आता था। तो मैंने क्या किया, उनको एक्सेल बेस्ड ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद उनको कहा कि उस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाएं और कैसे अपनी कैलकुलेशन करेंगे अगर प्रॉब्लम। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो पहले मैंने दे रखी थी ट्रेनिंग से पहले और कुछ जो ट्रेनिंग के बाद जो दे रखी थी उनके बीच का टेस्ट लिया गया, दोनों में टेस्ट लिया गया और उनका अचीवमेंट टेस्ट देखा गया। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अगर डिफरेंस आता है, फ़र्क आता है जो कि टी टेस्ट से कंप्यूट किया गया डिफरेंस, टी टेस्ट से कंप्यूट किया गया डिफरेंस, और देख अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है तो मैं ही कहूँगा कि एक्सेल सॉफ्टवेयर की वजह से उनके अंदर वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का कैलकुलेशन आसान हो गया उनसे। तो यू कैन डू, ऐसा है कि आप कई ऐसे एक्टिविटीज़ या कई ऐसे एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक ट्रुएंसी का, मैंने एब्सेंटिज्म की बात कही एक एग्जाम्पल, यानी कि कई स्कूलों में एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया पेरेंट टीचर मीटिंग की प्रॉब्लम है, माँ बाप नहीं आते हैं। जिन स्कूलों में माँ बाप नहीं आते हैं तो वहाँ पर टीचर्स बुलाते रह जाते हैं बट नहीं आते। तो कैन यू डिवाइस स्ट्रैटेजी, क्या आप कोई स्ट्रैटेजी डिवाइस कर सकते हैं और उस स्ट्रैटेजी को डिवाइस करने के बाद फिर देखिए उसका क्या नतीजा आता है। तो एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करिए, उसका नतीजा देखिए, वो काम नहीं आया तो दूसरा स्ट्रैटेजी डेवलप करिए। आपका ये है प्रॉब्लम, ये है कि टीचर्स माँ बाप पेरेंट टीचर्स में मीटिंग में नहीं आते हैं, तो डिवाइस अ स्ट्रैटेजी, आपको एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको माँ बाप को जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग में लाना है। तो व्हाट स्ट्रैटेजी विल डिवाइस सो दैट द पेरेंट टीचर्स मीटिंग, पेरेंट टीचर पेरेंट्स जो हैं वो टीचर्स मीटिंग में आए, पेरेंट पीटीएम में आए, कोई एक तरीका डिवाइस करना पड़ेगा। तो दैट कैन बी वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो। सुमित सिंह सर की तरफ से इशारा हो चुका है, मुझे पता है कई सारे सवाल होंगे इसमें, काफ़ी सारे सवाल हैं जुड़े हुए हैं, कई प्रश्न जुड़े हुए हैं इसके साथ। मैं चाहूँगा कि आप तमाम जो प्रश्न हैं वो मेरे फेसबुक पे पोस्ट कर दें, इसी टीचर एजुकेशन वाले में पोस्ट कर दें। मैं कोशिश करूँगा कि सभी प्रश्नों का जवाब दे सकूँ, उत्तर दे सकूँ, मैं कोशिश करूँगा। बहुत बहुत पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सोमू सिंह सर जी सर का कि उन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं फेसबुक में एक्शन रिसर्च के ऊपर कुछ कह सकूं, लोग मेरे साथियों के साथ, मेरे स्टूडेंट के साथ मैं कनेक्ट हो सकूं, उसकी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उसके लिए मौका देने के लिए धन्यवाद सोमी सिंह सर का और गौरव सिंह सर का। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं मानता हूँ ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म उन्होंने इस्तेमाल किया है जहाँ पर एक बड़ी संख्या में छात्रों की संख्या को लाभ प्रवच पहुँचेगा। इसी के साथ धन्यवाद, गुड इवनिंग एंड थैंक यू। इसको कैसे करूँ?